पेंसिल लेंगे और एक कागज़ लेंगे, फिर पेंसिल की मदद से कागज़ पर एक गाढ़ी सी लेयर चढ़ा देंगे, फिर अपनी फिंगर को उस पेंसिल वाली जगह पर रब करेंगे और एक फिंगरप्रिंट ले लेंगे। अब इस फिंगरप्रिंट को हम टेप पे ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए हम एक स्क्वाश टेप ले लेंगे और अपनी फिंगर को प्रेस करेंगे ताकि सारी जो लेड है पेंसिल का वो इस पर ट्रांसफ़र हो जाए। अब हम अपने मोबाइल को अपनी फिंगर से अनलॉक करते हैं। ये देखें, मेरी फिंगर का पैटर्न लगा हुआ। थंब से ट्राई करता हूँ, आप देख सकते हैं कि थंब इस पर वर्किंग नहीं कर रहा। अब मैं इस फिंगर के फिंगरप्रिंट को अपने थंब पे लपेटूंगा और ट्राई करूँगा आईफोन अनलॉक होता है या नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरा वो इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशन जो मैंने थंब पे लगाया हुआ है उसकी मदद से मैं अपना आईफोन अनलॉक कर रहा हूँ। अब इस फिंगरप्रिंट को हम उतार के और थंब से ट्राई करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि पहले भी मेरा मोबाइल अनलॉक नहीं हुआ था थंब इम्प्रेशन से, अब भी नहीं हो रहा।